चाइनीज लहसुन पर प्रतिबंध लगने के बावजूद वो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश और देश में अलग अलग जगहों पर बेचा जा रहा है। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इसको दायर करने वाले वकील मोतीलाल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपने जो जनहित याचिका दायर की थी उसमें क्या हुआ आज सुनवाई में? कल हाईकोर्ट ने आर्डर करके जो लेबोरेटरी चीफ थे फूड सेफ्टी और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के, उनको तलब किया था। तो वो ऑफिसर तलब हुआ तो उसको वो चाइनीज लहसुन आधा किलो हैंडओवर किया हमने। तो कोर्ट से उस अधिकारी ने 15 दिन का समय मांगा कि इसकी जांच करने में 15 दिन लगेगा, तब मैं रिपोर्ट सबमिट कर पाऊँगा कि ये किस हद तक नुकसानदेह है। कोर्ट ने डीएम लखनऊ को कहा है कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी करें जिसमें जनता अगर कहीं चाइनीज लहसुन बिक रहा है तो उस पर सूचित करके वो बताए कि यहाँ, और एक टीम गठित करें जिससे वो वहाँ जहाँ कहीं भी लहसुन बिक रहा है तो उसको डंप करें, सीज करें। और यही बात कमिश्नर फूड सेफ्टी उत्तर प्रदेश को कहा है कि वो यूपी लेवल पे एक हेल्पलाइन नंबर जारी करें, व्हाट्सएप नंबर जारी करें, और जो कहीं भी इस तरीके की बिक्री हो रही है चाइनीज लहसुन की तो उसको तत्काल प्रतिबंधित करें और फ्रीज करें। मतलब प्रतिबंधित करने का आदेश कुल मिलाकर के हो गया, आज से चाइनीज लहसुन नहीं बिकेगा? हाँ, नहीं बिकेगा। और ये सरकारी वकीलों ने ये भी कोर्ट को अवगत कराया कि एक कमेटी और एसटीएफ गठित कर दी गई है जो इसमें छापे मार रही है। एसटीएफ भी गठित? हाँ हाँ, एसटीएफ गठित हुई है जो इसमें छापे मार रही है, और जहाँ कहीं भी चाइनीज लहसुन बिक रहा है, मिल रहा है, तो उसको जो है फ्रीज किया जा रहा है और डंप किया जा रहा है। एक सवाल ये था, चूँकि 2014 से बैन की बात आपने उठाई थी, तो ये कैसे फिर इम्पोर्ट कैसे हो रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे क्या हो रहा है, इसको लेकर? हाँ, इस पर भी मैंने आर्गूमेंट कोर्ट में किया। मैंने कहा मालाड, मैंने भारत सरकार को पक्षकार बनाया है और सीबीआई जांच की मांग की है कि जो इसमें दोषी अधिकारी हैं, जो ऑफेंडर हैं, उनके खिलाफ सीबीआई जांच करे और जो दोषी पाए जाएं उनको जेल भेजा जाए। तो कोर्ट ने भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से काउंटर मांगा है और फूड सेफ्टी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मंत्रालय से भी काउंटर मांगा है। कैसे ये सामान यहाँ देख रहे हैं? हाँ, ये पूछा है, ये बतावें कि ये किस तरीके से इंडिया में चाइनीज लहसुन आ गया है। तो अब क्या छापेमारी की शुरुआत हो जाएगी अलग अलग जगहों पर? क्योंकि आज भी हम लखनऊ में कई जगहों पर गए, वहाँ पर चाइनीज लहसुन बिकता हुआ पाए गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने आज वो कोर्ट ने कहा है कि कहीं भी हेल्पलाइन नंबर जारी करें, जहाँ कहीं भी हो उसको, और सरकारी वकीलों ने बताया एसटीएफ गठित कर दी गई है और वो जगह जगह छापे मार रही है मंडियों में, और जहाँ जहाँ चाइनीज लहसुन मिल रहा है वहाँ डंप किया जा रहा है, फ्रीज किया जा रहा है। वैधानिक कार्रवाई जैसी भी कोई बात, इस डंपिंग के अलावा कोई वैधानिक कार्रवाई? वैधानिक कार्रवाई कोर्ट का व्यू बिल्कुल क्लियर है कि अगर ये ऑलरेडी बैन है तो ये किसी भी कीमत पे उत्तर प्रदेश में नहीं बिकेगा। तो आज से इस आदेश के बाद ये कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि अब चाइनीज लहसुन किसी भी हाल में उत्तर प्रदेश में नहीं बिकेगा। कोर्ट ने ये बात कह दी है कि जो भी डीएम और कमिश्नर हैं वो अपने अपने लिहाज से इसको लेकर के हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी करें, जिससे आम जनता भी उसको अगर कहीं इस तरीके का लहसुन बिकता हुआ मिलता है तो वो प्रशासन को सूचित करे और इस लहसुन को प्रशासन कहीं ना कहीं जब्त करे और उसको ये जो चीज़ है ये मार्केट में ना बिके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।